डिस्क्लेमर, जिस तरह हर बाप का बाप होता है उसे हम दादाजी कहते हैं, उसी तरह हर भाई का छोटा भाई होता है उसे हम ड्यूक 125 कहते हैं। और अब आगे। तो जी हाँ, अभी हम आए हुए हैं कहाँ पे? KTM शोरूम। तो हम क्यों आए हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो ये सवाल का जवाब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको मैं बताता हूँ कि मैं क्या आया हूँ और क्यों आज स्पेशल डे। ठीक है, तो सुन लो मेरी भी कहानी मेरे जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो की हाल चाल है आप सभी के? हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के KTM केंद्र से। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज KTM इंडिया के हिस्ट्री में बड़ा दिन है, क्योंकि KTM इंडिया लॉन्च कर रही है अपने छोटे बेटे को, मतलब ड्यूक 125। और आपका भाई लॉन्च इवेंट में इनवाइटेड है। लॉन्च इवेंट का निर्धारित समय है 4, तो हम अपनी KTM बाइक लेके नए KTM बाइक के स्वागत में निकल गए। और फिर क्या, आपका भाई स्पाइडी लुक लेके लॉन्च इवेंट में पहुंच गया। और वहां पहुंचने पे पता चला कि 1 अनार और 100 बीमार, मतलब वहां और भी लोग आए हुए थे छोटे भाई के स्वागत में। जी हाँ। तो जी हाँ, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है कि क्या कभी किसी दुल्हन का लाइव एंड एक्सक्लूसिव घूंघट उठते हुए देखा है? मुझे पता है 90% लोगों का आंसर रहेगा नहीं। तो आज हमारे चैनल पे, जी हाँ हमारे चैनल पे आपको इस दुल्हन का लाइव एंड एक्सक्लूसिव फुटेज दिखेगा घूंघट उठते हुए। क्या उठते हुए? घूंघट। और वहाँ की पार्किंग देख के यही पता चला कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं था, क्योंकि KTM ओनर्स ही सिर्फ लॉन्च इवेंट में आए हुए थे। और जैसा कि मैंने बोला था कि 4 बजे इवेंट है, इंडिया में कोई काम समय से स्टार्ट नहीं होता, ये तो खूबी है हम इंडियंस की। Are you guys excited to see yes, one very much? Yes, so much. लोगों के इमोशन के साथ खेलने के लिए टीवी में रेस वीडियो भी चलाया गया था। So as per this, you see, we have basically one more than 280 plus world championship title. Thank you.
बुक किया है अपना फर्स्ट 125 तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि ये कब गाड़ी आएगी। 125 तो आज आप लेके जाओगे? आज नहीं लेके जाऊँगा, मतलब अभी सब बुकिंग वगैरह सब पूरा टोटल करके फिर। तो एक्साइटेड? यस फीलिंग एक्साइटेड। उससे ज़्यादा जैसा आप लोगों ने देखा क्या लॉन्च किसका ड्यूक 125 और 200 ABS आ गई है 200 में। तो अभी हम बात करने वाले हैं आशीष भाई से कि क्यों कोई 120 ड्यूक 125 को बाई करे। तो ये सवाल सबके मन में चलेगा कि भाई 200 है, 250 है, 390 है और अभी सबसे छोटा कैटेगरी मतलब छोटा भाई भी आ गया है फैमिली में 125। तो अभी इनसे सुनते हैं क्योंकि हम जितना नहीं जानते उतना तो मेरे से ज़्यादा ही जानते हो, मैं उतना टेक्निकल बंदा हूँ नहीं, मैं ट्रैवल करता हूँ तो आपको टेक्निकल चीज़ें बताने के लिए भाई। तो ऐसा क्या आप बताएंगे लोगों को क्योंकि लोग परचेज करें इसको? जैसे आप सबको पता था पहले स्टार्टिंग हमारा 200 चल रहा था, अब हमारा स्टार्टिंग होगा 125 से। 125 आप लिखोगे तो उसमें आपको ABS आएगा, ABS तो सबसे लाइट वेट बताया है, सबसे लाइट वेट पावर उसका देखोगे आप, सबसे अच्छा पावर दिया है उसमें कम CC के हिसाब से 125। सेकेंड उसका BHP भी बहुत ज़्यादा अच्छा है पहले से तो। और अभी तक 125 की बुकिंग कितनी हो चुकी है? तक मेरे पास 10 बुकिंग हो चुकी है 125 के लिए। अगर आपको बुक करना है गाड़ी बहुत अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ मेरे शोरूम पे आइए, गोरेगांव में ही है, आपको डिलीवरी भी बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मैं एड्रेस और नंबर वगैरह भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप कि आप कन्विंस हो गए हो, हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना हो। तो और जितनी भी डिटेल्स की चीज़ें रहेगी मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में और कहीं भी मैं ऐड करके आपको बता दूँगा। तो थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। और हाँ, आपको कुछ ड्यूक 125 के फीचर्स बता दूँ। इसमें आपको मिलेगी 14.3 BHP, 12 Nm टॉर्क, फ्यूल कैपेसिटी आपको 10.2 लीटर्स की मिल जाएगी और इसमें आएगी ABS और इसका स्विंग आर्म एल्युमिनियम का बना हुआ है और इसकी सीट हाइट है 818 mm। ऑलराइट, फिर वहां से निकलते ही हमें मिले हमारे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर। और अभी जस्ट हमने कहां से शोरूम से बाहर आ गए और यहां पे हमारे काफी पुराने सब्सक्राइबर मिले। हेलो फ्रेंड। लेकिन इंस्टा पे बात हुई है लेकिन ऐसा पर्सनली नहीं जानते थे तो मिलके काफी अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत चौहान। इंद्रजीत चौहान, इधर आंधीवली में रहता हूँ लेकिन भाई से इतने 2 साल के बाद आज पहली बार मिल रहा हूँ। डेली इनको फॉलो करने के बाद भी आज इतना फॉलो करने के बाद आज मिला भाई से। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ हमारा एक इंटरेस्टिंग इन्होंने आइडिया बताया जो कि रिवील नहीं करेंगे बट वो वीडियो आएगा 100% आएगा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी कुछ बात करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे और आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया हो। ठीक है, उनसे काफ़ी टाइम मैंने बात किया क्योंकि वो बहुत टाइम से मेरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे तो टाइम देना ज़रूरी था उन्हें। और बात करते करते कब शाम हो गया कुछ पता ही नहीं चला, फिर मैं वहाँ से निकल गया। और उस भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने ड्यूक 125 ख़रीद लिया लॉन्च के ही वक्त। अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी माने थोड़ा टाइम वेट कर लें। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया हो, अगर किया हो तो जो मन में वो करो। ठीक है।